नमस्कार, मैं उम्मीद और आप देख रहे हैं बॉलीमीत न्यूज। 2020 बीत गया, 2021 आ गया है। 2020 यूँ तो कुछ खास नहीं रहा, लेकिन साल बीतते बीतते जिस एक चीज़ ने हमारे चेहरे पर मुस्कान ला दी वो था क्रिकेट, टीम इंडिया की जीत। इसी बात पर हमने सोचा कि जानते हैं कि हमारे क्रिकेट जगत के धुरंधरों ने नया साल कैसे मनाया। पहले कप्तान साहब की बात, विराट कोहली इस समय मैदान से दूर हैं, अनुष्का शर्मा प्रेग्नेंट है इसलिए विराट लीव पर है। नया साल उन्होंने चंद दोस्तों के साथ मनाया जिनमें हार्दिक पांड्या भी शामिल रहे। सब पत्नी विराट ने फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, जो दोस्त साथ में नेगेटिव टेस्ट होते हैं वो साथ में पॉजिटिव टाइम बिता पाते हैं। सुरक्षित माहौल में दोस्तों के साथ मिलने बैठने से बेहतर कुछ नहीं। ये साल आप सबके लिए खूब सारी आशाएं, खुशियाँ और अच्छी सेहत लेकर आए, सुरक्षित रहें। साफ है कि अनुष्का विराट की न्यू ईयर सेलिब्रेशन में भी सुरक्षित और सेहतमंद माहौल प्राथमिकता है। जहां हार्दिक पांड्या विराट कोहली के साथ नया साल मना रहे हैं, वहीं उनके भाई और क्रिकेटर कुणाल पांड्या परिवार के साथ हैं। कुणाल ने परिवार के साथ फोटो पोस्ट की। दिग्गज महिला क्रिकेटर मिताली राज ने भी परिवार और कुछ चुनिंदा दोस्तों के साथ नया साल मनाया। हरमनप्रीत कौर ने भी फ्रेंड्स फैमिली के साथ फोटो अपलोड की और नए साल की बधाई दी। सचिन तेंदुलकर ने सादे तरीके से नया साल मनाया। उन्होंने ट्वीट किया, हम नई शुरुआत कर रहे हैं, सुरक्षित और खुशहाल 2021 की उम्मीद, पिछले साल की सीख को लेकर आगे बढ़ते हैं। जो कुछ हमारे पास है उसका सम्मान करें, प्रकृति को हल्के में ना लें, रिश्तों का महत्व समझें। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।